हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल, वेलकम बैक टू द ब्रांड न्यू वीडियो। सो गाइस, क्या हाल चाल है, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बढ़िया होगे और आगे भी बढ़िया चलता रहे। सो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि यहाँ पे जो हमारे पास एक लक रॉयल में करेक्टर रॉयल आया है, बहुत ही बढ़िया करेक्टर है उसके अंदर, जिसका नाम है के। तो ये के नाम का जो करेक्टर है, इसका नाम आई थिंक करीम है। एक बार करेक्टर्स में जाके आप लोग इसका नाम चेक कर लेते हैं। वैसे यहाँ पे के ही दिखाया था, बट एक बार फिर से हम यहाँ पर चेक करेंगे। हाँ, तो देख सकते हो यार, यहाँ पे जो है सिर्फ इसका नाम के लिखा हुआ है, बट मैंने इंडोनेशिया की एक वीडियो में देखा था तो इसका नाम आई थिंक करीम लिखा हुआ था वहाँ पे। तो व्हाटएवर, जो भी इसका नाम है भाई, हम के ही बोलेंगे। और ये करेक्टर की जो स्किल है वो बहुत ही बढ़िया स्किल है, और इस करेक्टर का जो है फर्स्ट गेम प्ले भी आपको देखने को मिलेगा। बट आज मैं वो प्ले आपको जो गेम प्ले है वो मैं आज नहीं दिखा सकता, क्योंकि अभी जो है मैं आउट ऑफ सिटी हूँ। तो गाइज़, मैं यहाँ पे मतलब बाहर आ रखा हूँ, और यहाँ पे आके मतलब वीडियो थोड़ी लेट है, उसके लिए सो सॉरी यार कि मैं थोड़ा बाहर था तो वीडियो काफ़ी लेट हो जाएगी। तो चलो यार, आज की इस वीडियो में हम लोग यहाँ पे लक रॉयल में जाके ये नया कैरेक्टर जो है के, और इसका बंडल हम यहाँ पे जो है निकालने वाले हैं। तो चलो देखते हैं यहाँ पे कितने डायमंड लगने वाले हैं। फ्री के जो दो स्पिन होते हैं, मतलब पहला स्पिन जो फ्री होता है वो मैंने ऑलरेडी कर लिया है। सेकेंड स्पिन था 9 डायमंड का, वो भी मैंने कर लिया, जिसमें मुझे डायमंड रॉयल का वाउचर मिला था। ठीक है, तो गाइज़ यहाँ पे अभी हम दो स्पिन ऑलरेडी कर चुके हैं, तो थर्ड स्पिन जो है यहाँ पे 19 का है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है 19 19, और फिर उसके बाद 39 69, फिर 199 और 399, ये जो है हमें स्पिन करने हैं। तो टोटल कैलकुलेशन के हिसाब से जो है 970 डायमंड्स आपके यहाँ पे खर्च होने वाले हैं। बट जिनका लक अच्छा था उनको पहले ही स्पिन में मिल गया। काफ़ी सारे भाई ऐसे थे जिनको पहले स्पिन में मिल गया, जिनका लक काफ़ी अच्छा चल रहा था। बट कोई बात नहीं, यहाँ पर हम जो है सबसे पहले एक 19 का स्पिन करेंगे। तो ये पहला नहीं है, आई थिंक ये तीसरा स्पिन है। सो गाइज, यहाँ पे हमें जो है वेपन रॉयल वाउचर मिला है, जो कि हमारे लिए कुछ ज़्यादा खास नहीं है, बट कोई बात नहीं। अब 39 का स्पिन है तो वो करेंगे हम यहाँ पे, एंड लेट्स सी हमारा क्या निकलता है। अगर हमारा लक ज़्यादा अच्छा हुआ तो हमें करेक्टर भी मिल सकता है, बट नहीं, हमें यहाँ पे जो है मैजिक क्यूब फ्रेगमेंट मिला है, तो ये भी मेरे लिए कुछ खास नहीं था। सो नाउ यहाँ पे 69 का हम जो है स्पिन करेंगे, और देखते हैं आप हमें यहाँ पे क्या मिल सकता है। तो गाइज़, यहाँ पे मुझे जो है एक अवतार मिला है, जो कि शायद के का अवतार है, तो इसे हम बाद में चेक करेंगे कलेक्शन में जाके। एंड नाउ मैं 99 का स्पिन कर रहा हूँ यहाँ पे। सो बंडल मिल जाएगा तो ज़्यादा बढ़िया है यार, बट नहीं, यहाँ पे हमें बैनर चिपका दिया इन्होंने। तो समझ रहे हो, मतलब हमें लास्ट वाला स्पिन जो है करना ही पड़ेगा, और 199 का स्पिन करने पर हमें यहाँ पर बंडल मिलेगा। ओके, तो कैरेक्टर मिल चुका है गाइज, यहाँ पर हमें देख सकते हो जो के है हमारा अनलॉक हो चुका है। ओके गाइस, तो यहाँ पे के हमने अनलॉक कर लिया, और 399 डायमंड्स लगाने के बाद हमें जो ये के का बंडल है, तो ये बंडल हमें रिसीव हो जाएगा। एंड मेरे अकॉर्डिंग हमें करेक्टर की ज़्यादा ज़रूरत थी, 399 डायमंड लगा के का बंडल लेकर कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि इस बंडल में कोई एनिमेशन भी नहीं है और कुछ इतना खास भी नहीं है ये बंडल। तो मैंने सोचा था शायद बंडल निकलेगा उसके बाद मुझे करेक्टर मिलेगा, बट करेक्टर मिल गया यार, तो मुझे बंडल लेने की ज़रूरत नहीं है। तो चलो यार, करेक्टर में चलते हैं और देखते हैं यहाँ पे हमारा के करेक्टर कैसा है, और इसकी एबिलिटीज़ और इसके जो इसकी पावर्स है वो हम अनलॉक करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे के लगा लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद इसकी स्किल स्लॉट है वो भी हमें ओपन करनी है, बट इतनी जल्दी नहीं, पहले हम इसका लेवल अप करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसका लेवल अप करते हैं पहले लेवल अप कार्ड से। तो यहाँ पर मेरे पास लेवल 6 और 8 का एक कार्ड पड़ा हुआ है, और 5 के 9 कार्ड्स हैं, तो मैं यूज़ कर रहा हूँ, कंफर्म कर दिया मैंने यहाँ पे। तो गाइस, यहाँ पे मेरे पास अभी जो है लेवल 4 का हो चुका है ये। ठीक है, लेवल 6 तक ले जाने के लिए हमें इस पे यहाँ पे जो है यूज़ करने हैं कुछ इसके फ्रैगमेंट्स। तो मैं यहाँ पे फ्रैगमेंट यूज़ करूँगा, 700 चाहिए, इट्स ओके, हमारे पास बहुत सारे हैं यूनिवर्सल फ्रैगमेंट, तो मैं इसके लिए यहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ। यूनिवर्सल फ्रैगमेंट लगा के भी जो है हम यहाँ पे करेक्टर को अपग्रेड कर सकते हैं गोल्ड खर्च करके। ठीक है, तो पहले मैं इसका यहाँ पे जो है कंफर्म कर देता हूँ इसकी ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो देख सकते हो 700 इसके कंप्लीट कर दिए। इसे अनलॉक करने के बाद यहाँ पर लेवल 5 आ जाएगा, फिर इसका बैनर खुल जाएगा और ये लेवल 6 तक हो जाएगा। ठीक है, तो इसके हमें स्किल स्लॉट की भी ज़रूरत पड़ेगी, इसका जो गेम प्ले है देखने के लिए हमें स्किल स्लॉट भी ओपन करनी है। तो 2000 गोल्ड लगा के पहला स्किल स्लॉट ओपन कर लेते हैं, उसके बाद दूसरा स्किल स्लॉट 5000 गोल्ड में ओपन हो जाएगा। और अब मैं इसका लेवल अप भी कर देता हूँ यार। तो ठीक है, लेवल 5 हो चुका है, अभी 8000 गोल्ड लगेगा, और
हो जाएगा यार अपग्रेड, तो 1500 चाहिए, मैं 1500 बढ़ा देता हूँ यहाँ पे फ्रेगमेंट्स जल्दी जल्दी से, ठीक है। तो जितना ज़्यादा जल्दी कर सकते हैं उतना ज़्यादा मैं जल्दी कर रहा हूँ। और गाइज मैं यार बाहर हूँ, ठीक है, तो मेरी वॉइस जो है शायद थोड़ी स्लो आ रही होगी, तो उसके लिए आई एम रियली सॉरी, क्योंकि घर से बाहर रह के और रात के ऑलमोस्ट 2:30 बज रहे हैं, तो रात के 2:30 बजे मैं वीडियो बना रहा हूँ यार, तो वीडियो लेट है, उसके लिए रियली सॉरी, ठीक है। तो यहाँ पे थर्ड स्किल स्लॉट खोलने के लिए 10,000 गोल्ड चाहिए, और यहाँ पे ये वाला अपग्रेड करने के लिए 12,000 गोल्ड चाहिए हमने, तो मैं अपग्रेड इसे बाद में करूँगा, मैं इसका स्किल स्लॉट ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। तो मैंने स्किल स्लॉट ओपन कर दिया है, तो एक्टिव स्किल यहाँ पे एक ही है, तो आई थिंक ये इसकी एक्टिव स्किल है। तो हम यहाँ पे पैसिव स्किल यूज़ करेंगे, जो कि है पहली हयातो, दूसरी है यहाँ पे कैली, और तीसरी जो हम यूज़ करेंगे वो है जोशेप की, ठीक है। तो देखो यार, हमने करेक्टर को ऑलमोस्ट फुल अपग्रेड किया है, लेवल 5 तक अपग्रेड कर दिया है, एंड नाउ अभी इसको जो है थोड़ा सा ड्रेसअप करा देते हैं अपने करेक्टर को, थोड़ा हैंडसम दिखने के लिए थोड़े बढ़िया कपड़े पहनाएंगे यार। ओके, तो यहाँ पे हम ट्राई करते हैं कुछ बढ़िया पहनाने का। सो इसका गेम प्ले यार तुम्हें मैं बहुत जल्दी, जैसे ही मैं वापस जाता हूँ, ठीक है, तो मैं इसका गेम प्ले भी जो है अपलोड कर दूँगा, ये भी आपको देखने को मिल जाएगा। एंड अभी रात के 2:30 बजे रिकॉर्डिंग चल रही है, तो आई एम रियली सॉरी यार कि वीडियो काफ़ी ज़्यादा लेट हो गई है घर से बाहर रहने के चक्कर में, ठीक है। तो यहाँ पे जो है इसे पहनाने के लिए मैं रेड कलर का कुछ ढूंढ रहा हूँ कपड़े, बट रेड कलर के कपड़े मुझे मिल नहीं रहे यार, आई डोंट नो कहाँ चले गए रेड वाले कपड़े। तो ओके, ये वाले कपड़े ट्राई करेंगे हम इसके ऊपर भाई, ठीक है। तो देख सकते हो, बट यार इसका हेयर स्टाइल जो है काफ़ी अच्छा लगा मुझे, डिफरेंट हेयर स्टाइल है, तो मैं चाहता हूँ इसका हेयर स्टाइल दिखना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे देख सकते हो इसके कपड़े हमने रेड कलर की कर दिए, जिससे इसका हेयर स्टाइल मैच हो जाएगा। और एक चीज़ और है यहाँ पे, लेवल अप यूज़ करने के लिए बोल रहा है, बट मुझे अभी करना नहीं है यार इसका लेवल अप। ओके, तो मैं इसके गॉगल्स ढूंढ रहा था यार, गॉगल्स मिल नहीं रहे, कहाँ चले गए, एक ब्राउन कलर के गॉगल्स थे तो सही। तो गाइस, किस किस को ये वाला कैरेक्टर फर्स्ट पिन में मिला है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना यार, ठीक है, क्योंकि मेरा तो आप लोगों ने देख ही लिया, मेरे को ये सेकंड लास्ट पिन में मिला कैरेक्टर, और इसका बंडल मुझे निकालने की कोई जल्दी नहीं थी, तो मैंने इसका बंडल नहीं निकाला, ठीक है। तो इस कैरेक्टर का जो गेम प्ले है वो आपको देखने को मिल जाएगा कल तक, मैं कोशिश करूँगा इसका गेम प्ले आपको दिखा सकूँ कैसा है, और इसके साथ कौन कौन सी स्किल्स आपको, बेस्ट स्किल कौन कौन सी आपको यूज़ करनी चाहिए, उसके ऊपर भी एक वीडियो आएगी। अगर आप चाहते हो बेस्ट स्किल्स स्लॉट के ऊपर मैं वीडियो बनाऊँ, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताना। और कोई अगर आपके माइंड में सजेशन हो नेक्स्ट वीडियो का कंटेंट, आप क्या देखना चाहते हो, आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो, ठीक है। एंड गाइज, यहाँ पे व्हील ऑफ डिस्काउंट का भी एक जो है बहुत ही बढ़िया इवेंट आ रखा है, और मुझे इसमें ऑलमोस्ट 80% ऑफ मिला था, तो मैं यहाँ पे कुछ भी एक ही चीज़ बाय कर सकता हूँ। तो मुझे वेपन सॉरी इनक्यूबेटर जो है वाउचर चाहिए, तो मैं इनक्यूबेटर के जो वाउचर मैंने परचेस कर लिए थे, उसके बाद हम यहाँ पे कुछ और परचेज नहीं कर सकते। तो मुझे 80% का डिस्काउंट मिला था फर्स्ट पिन पे, उसके बाद यहाँ पे फ्री ड्रॉ के लिए बोल रहा है ये, तो मैंने फिर से फ्री ड्रॉ किया, तो मुझे 70% का ऑफ मिला, और अब मैं कुछ भी परचेस करने के मूड में नहीं हूँ, क्योंकि ये सब कुछ है मेरे पास ऑलरेडी। और 149 में ये कौन सा करेक्टर है, क्लू है मिल रहा है, बट मुझे नहीं चाहिए, ऑलरेडी मेरे पास बहुत सारे करेक्टर्स हैं यहाँ पे। एंड यहाँ पे जो है हमारा इनक्यूबेटर भी जाने वाला है, और इसके बाद जो इनक्यूबेटर आने वाला है वो है एक्सेमेट का, एंड एक्सेमेट में ऑलरेडी देख चुका हूँ कैसा है, तो मुझे कुछ ज़्यादा खास मतलब लगी नहीं वो गन की स्किन। तो अगर आप लोगों को वो गन की स्किन पसंद आती है, तो यार एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है। और यहाँ पे मुझे ज़रूरत है एवोल्यूशन स्टोन की, बट मुझे यहाँ पे एवोल्यूशन स्टोन नहीं मिल रहे, हाँ आप लोग देख सकते हो। तो मैं 5 का स्पिन और कर देता हूँ, 10 वाउचर खरीदे थे इसीलिए कि स्टोन मिल जाए, तो स्टोन मिल जाएगा आई थिंक, बट ब्लूप्रिंट मिल चुका है मुझे, तो यार ब्लूप्रिंट तो नहीं चाहिए था, बट ब्लूप्रिंट ही मिला मुझे, एवोल्यूशन स्टोन की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, और एवोल्यूशन स्टोन नहीं मिल रहा मुझे, तो आई एम फीलिंग रियली सैड, क्यों नहीं मिल रहा यार एवोल्यूशन स्टोन। तुम देख सकते हो भाई मेरे पास 2 एवोल्यूशन स्टोन, सॉरी 2 जो है इसके ये ब्लूप्रिंट हो गए हैं, बट एवोल्यूशन स्टोन एक ही है,
तो क्या करूँ समझ नहीं आ रहा। अभी दो में ये वाला बंडल मिल जाएगा, इसके लिए चाहिए 5 एवोल्यूशन स्टोन। सो चलो ट्राई करते हैं यार निकालने का। वीडियो थोड़ी आज लंबी हो जाएगी, तो लेट्स सी निकाल के देखते हैं। अगर निकल जाता तो बहुत ही बढ़िया हो जाएगा हमारे लिए। तो एवोल्यूशन स्टोन मिल जाए तो बहुत अच्छा है यार। नहीं मिला यार एवोल्यूशन स्टोन हमें यहाँ पे, बट चलो एक बार और सही। लेट्स सी, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो कोशिश कर रहा हूँ कि निकल जाए एक बार मेरा फिर से एवोल्यूशन स्टोन, प्लीज यार। नहीं मिला। आई डोंट नो यार मेरा लक कैसा चल रहा है, बट कोशिश कर रहा हूँ कि मिल जाए एवोल्यूशन स्टोन। बट सीरियसली एक स्टोन नहीं दे रहे ये लोग, क्यों नहीं दे रहे मुझे नहीं पता यार। मैंने न्यू कैरेक्टर लिया इस खुशी में नहीं दे रहे या क्यों नहीं दे रहे। कैरेक्टर चेंज करके देख लेते हैं एक बार। हमारा आदम आ गया है, ठीक है, आदम भाई का जादू देखना चाहेंगे। बहुत बढ़िया। सो अगेन 90 का स्पिन करेंगे यार, एंड उम्मीद करते हैं कि अब की बार हमारा एवोल्यूशन स्टोन निकल जाएगा। यस, एक एक उससे रह गया यार। अगेन ब्लूप्रिंट मिल गया यार। ओ माय गॉड, हद होती है यार, 3 ब्लूप्रिंट है मेरे पास। मजाक चल रहा है ये यार, 3 ब्लूप्रिंट हो गए मेरे पास। एवोल्यूशन स्टोन नहीं निकल रहा यार, क्या है ये भाई। एवोल्यूशन स्टोन दे दो यार, इतने ब्लूप्रिंट मत दो मुझे। एवोल्यूशन स्टोन की जरूरत है वो दे दो। माय गॉड क्या बोलूँ यार, जो चाहिए वो तो मिल ही नहीं रहा। एवोल्यूशन स्टोन चाहिए, एवोल्यूशन स्टोन, एवोल्यूशन स्टोन। भाई ये बहुत ही ज़्यादा गलत हो रहा है, बहुत ज़्यादा गलत हुआ, बहुत ही ज़्यादा गलत। मतलब एवोल्यूशन स्टोन नहीं दिया यार इन्होंने मुझे, ब्लूप्रिंट दे दिए। अरे दो एवोल्यूशन स्टोन दे दो यार भाई, एवोल्यूशन स्टोन दो दे दो। हद पार हो गई है भाई आज तो। एवोल्यूशन स्टोन दिया नहीं इन लोगों ने मुझे। यार क्या करूं मैं यार, 3 ब्लूप्रिंट है मेरे पास और एवोल्यूशन स्टोन नहीं है। अरे क्या करूं भाई यार, बहुत ज्यादा मूड खराब किया इन्होंने, इनकी ऐसी की तैसी, गैरेना वालों की ऐसी की तैसी। यार ब्लूप्रिंट इतने सारे दे दिए ना, और ये जो क्रेट्स पकड़ाई है ये सारी क्रेट्स का सामान मेरे पास, ऑलमोस्ट सब कुछ है मेरे पास यार। और ये गन भी मेरे पास परमानेंट है, हार्ट। क्या यार, मतलब सच में बहुत ज़्यादा, जिसे कहते हैं ना, बहुत ज़्यादा मूड ख़राब हो गया। इसमें तो कुछ वैसे ही नहीं मिला, 3-3 दिन के लिए सामान दे रहे हैं बस। इनमें स्कैनर के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। रेड टोकन, रेड टोकन, दो स्कैनर बस। गाइस 3 ब्लूप्रिंट होने के बाद भी हम कुछ नहीं कर सकते, सीरियसली। 3 ब्लूप्रिंट है हमारे पास एंड एवोल्यूशन स्टोन बिल्कुल भी नहीं है, तो कुछ नहीं कर सकते हम यहाँ पे। इधर भी स्कैनर ही मिलता है भाई, क्या बोलूँ। मतलब जो हमें चाहिए वो तो इन्होंने देना नहीं है। ऑलमोस्ट सारे डायमंड्स मेरे वेस्ट हो गए, 3-3 एवोल्यूशन स्टोन रख के बैठा हूँ यार, क्या करूँ मैं। 3 एवोल्यूशन स्टोन का क्या लूँगा मैं यार, क्या लूँगा मैं। हाँ एक ब्लूप्रिंट मिलेगा एक्सहेमेट वाली, उसका पता है मेरे को। बर्बादी हो रही है भाई, बर्बादी, फ्री फायर में बहुत ज़्यादा बर्बादी हो रही है। सो कोई बात नहीं, कुछ नहीं कर सकते हम। तो गाइज़ न्यू करेक्टर का गेम प्ले जो है मैं कल तक आपको यहाँ पे दिखा दूंगा, और उसमें कौन सी स्किल स्लॉट लगा के यूज़ कर सकते हैं वो भी मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो लेके आऊँगा। अगर आप लोग चाहते हो उसके ऊपर वीडियो जल्दी लेके आऊँ तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो के लिए अगर आपके पास कोई सजेशन है वो भी कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी, और मैंने डायमंड बहुत सारे बर्बाद कर दिए तो लेट आई वीडियोज़ के लिए बहुत बहुत सॉरी है यार। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में घर जाने के बाद, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर,
एंड रात के 2:30 बज रहे हैं, तो गुड नाइट। सुबह में वीडियो देख रहे हो तो गुड मॉर्निंग, बाय बाय, टेक केयर।